Uh, मैं एक काम करता हूँ मैं मल्टीपल स्क्रीन यूज कर लेता हूँ यहाँ पे जहाँ पे हमने फोर स्क्रीन यूज करना है ओके okay? और यहाँ पे हमारा बजाज फाइनेंस था दूसरा हमारा इंजीनियर्स इंडिया थर्ड में वाला एंड फोर्थ आर एच आई ऑल राइट और बजाज फाइनेंस पहला हमारा देन इसको हम थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करते हैं मैं अभी स्क्रीन uh, यूज करता हूँ दो स्क्रीन बजाज फाइनेंस का लेवल था three, six, eight, nine. Uh, nine, के समथिंग और इसका अगर हम परसेंटेज गेन की बात करें तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ था और परसेंटेज गेन अप्रोक्सिली फाइव के समथिंग और दूसरा जो हमारा था इंजीनियर्स इंडिया के हमारे लेवल थे नाइनटी सेवन 50 ये स्टॉक यहाँ से अप्रोक्सली फोर अप गया था बट अभी फिलहाल uh, ऑलमोस्ट ब्रेक इवेंट पे है आप यहाँ पे देखोगे तो थर्ड में जो हमारे पास आर एच आई आर एच आई का जो लेवल था हमारा सिक्स सिक्स सेवन और वो अप्रोक्सिमली अभी सिक्स सिक्स ये स्टॉक यहाँ से हमारे प्राइस पॉइंट से अप्रोक्सिमली थ्री परसेंट अप गया था बट अभी फिलहाल वो भी ब्रेक इवन पे ही है और अगला जो हमारा था पुना वाला इसका लेवल था हमारा यहाँ पे थ्री टू फाइव और ये अभी उधर ही कॉन्सलिडेट कर रहा है चार स्टॉक्स में से हमारा बजाज फाइनेंस बहुत अच्छा परफॉर्म करा एंड उसके बाद आर एच ने भी करा था तो अभी अल्टीमेटली कॉन्सलिडेट कर रहा है बट स्टॉप स्टॉपल एक भी हिट नहीं हुए हैं तो अभी सिर्फ वन वीक हुआ है और कई बार हमें होल्ड भी करना पड़ता है अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ बताऊँ ना बट अगर हम वहीं पे इस वाली वीडियो की बात करें जो उससे प्रीवियस वाली वीडियो थी तो उसके अंदर जो भी स्टॉक्स थे उसके बारे में अगर हम क्विकली देखें ना तो अच्छा खासा हम इसमें प्रॉफिट गेन के ऊपर हैं और हमने तो ऑलरेडी बुक भी कर लिया है कुछ तो जैसे कि पीटी इंजीनियरिंग आप लोगों को पता है ऑलरेडी अगर आप टेलीग्राम में एक्टिव हैं तो बाय द वे uh, टेलीग्राम में मैं सारे अपडेट्स वगैरह डालता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने पीटी इंजीनियरिंग को uh, पिन किया हुआ था आप देख सकते हो हम इसमें ट्रेड कर रहे हैं पीटी इंजीनियरिंग की बात करें तो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे हमें गेन मिला है तो uh, आप देख सकते हो इस लेवल पे हमने डिस्कस किया हुआ था यहाँ पे हमारा चार्ट है थ्री टू एट अप्रोक्सली मैंने डिस्कस किया हुआ था और अभी जो इसका प्राइस चल रहा है थ्री फाइव नाइन यहाँ से मैं अगर परसेंटेज गेन की बात करूँ तो अच्छा खासा यहाँ पे परसेंटेज हमने कैप्चर किया है टेन परसेंट तो इससे हमें यह समझ आ रहा है कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको वेट करना होता है आपको जल्दीबाजी नहीं करना अगर आपने सही एनालिसिस किया हुआ है तो और बिल्कुल आपको स्टॉप लॉस को भी रिस्पेक्ट करना है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे बट एनी अभी तक तो एक भी स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ है और अगर एम एन एम की बात करूँ तो इसमें आप देख सकते हो हमने इस लेवल पे डिस्कशन किया हुआ था और इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है अभी ये तो हमारे YouTube के कम्युनिटी है बट हमारा एक और कम्युनिटी है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है स्विंग ट्रेडिंग के जहाँ पे हमें फ्यूचर के अंदर इक्विटी के अंदर ट्रेड करते हैं स्विंग ट्रेडिंग में वहाँ पे बात करें तो वहाँ पे तो बहुत और भी स्टॉक्स थे जो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इस रैली में तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड होने में तो जस्ट लेट मी नो और इसके लिए आपको बस हमारे टेलीग्राम पे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पर्सनल आईडी मिल जाएगा आप इस पर मैसेज कर सकते हो मैं या मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी कि आपको कैसे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड होना है और एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स कैसे लेने हैं और ये मैं आपको तब बता रहा हूँ जब आपको हमारे एनालिसिस सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो यहाँ पे टेलीग्राम पे आके और प्रीवियस हिस्ट्री वगैरह देख सकते हो देन आप आगे के बारे में सोच सकते हो अब मैं आपको बताने वाला हूँ नए स्टॉक्स के बारे में बट मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ मैं आपको कोई पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ तो ये जो भी डिसीजंस लेने हैं वो आपके अपने रिक्स के अकॉर्डिंग लेना है ये मेरा कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है ये सिर्फ़ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं बताऊंगा इस बार मैं आपको मिड uh, कैप के स्मॉल कैप के कोई भी स्टॉक नहीं बताने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप के बारे में बताऊंगा क्योंकि अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी एक क्रूसियल जोन पे आ चुका है जैसे कि आपको पता है कि ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास है तो कभी भी अगर ऑल टाइम हाई के आसपास जाता है या फिर उससे पहले भी मे भी एक पुल बैक के चांसेस हैं तो इस वजह से मैं रिक्स नहीं लेना चाहता क्योंकि मार्केट uh, में ये भी बहुत बड़ा एक टास्क होता है कि आपको कैपिटल जो भी आपने कमाए हैं उसको सेव करके उसको सेव करके रखना है तो उस ऐसे टाइम पे मैं कोई भी मिड कैप स्मॉल कैप प्रेफर नहीं करता अदरवाइज़ सिर्फ लार्ज कैप में ट्रेड करना पसंद करता हूँ ऐसे क्रूसियल जोन के आसपास तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम ऑल टाइम हाई के आसपास हैं बस थोड़े ही दूर है बस हम ऑल टाइम हाई को टच करेंगे मे भी क्रॉस हो जाए वो हम देखेंगे मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम पे सारी अपडेट मैं करता रहूँगा सिर्फ आपको ज्वाइन कर लेना है इस टेलीग्राम को और मैं सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता रहूंगा लेकिन वो तब देखेंगे अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि कुछ भी हो सकता है राइट और बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है फर्स्ट वन इज उज्जीवन फाइनेंस उज्जीवन फाइनेंस में क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे हैं एक तो यहाँ पे पैटर्न ब्रेकआउट हुआ और सबसे मुझे ख़ास बात इसमें ये लगी है कि जो भी यहाँ पे प्रीवियसली वॉल्यूम्स थे ना सबसे ज़्यादा हायर वॉल्यूम यहाँ पे बनी है राइट और वॉल्यूम बनी है विद ब्रेकआउट हुई है हायर वॉल्यूम के साथ जैसे कि आपको अभी तक पता चल रहा होगा कि हम किस बेस पे ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे एक गुड वॉल्यूम है प्लस पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है और बहुत ही हेवी कॉन्सलीटेशन के बाद हुआ है तो इसको हम चार्ट पे देखते हैं तो ये डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ही हायर वॉल्यूम है जितने भी प्रीवियस के वॉल्यूम्स थे यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे हायर वॉल्यूम यहाँ पे बनी है कि अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे आए तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे एक हेवी कॉन्सलिटेशन हुआ है और ये कॉन्सल्टेसन यहाँ से अप्रोक्सली यहाँ से स्टार्ट हुआ था आप यहाँ पे देखोगे तो वन वन फोर्टी सेवन डेज का एक कॉन्सलिटेशन था कि एक ही रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था हमारे पास अभी एक अपॉर्चुनिटी बन रहा है तब कंफर्म होगा जब हमारा निफ्टी अच्छा परफॉर्म करेगा तब मे भी यहाँ से एक पुल बैक आए यहाँ पे ऐसे एक पुल बैक आए और पुल बैक आने के बाद भी परफॉर्म कर सकता है या फिर अभी भी कर सकता है क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत तगड़े वॉल्यूम्स हैं और उज्जीवन फाइनेंस का लेवल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एसल बनेगा इस लेवल के आसपास यहाँ पे Uh, और फर्स्ट टारगेट हमारा थ्री थ्री फाइव का सेकेंड टारगेट थ्री सिक्स जीरो का यहाँ पे अब जो सेकेंड स्टॉक हमारे पास है ना वो एक्चुअली प्रीवियस लिस्ट में से ही मैंने आपके लिए लाया है क्योंकि वो लार्ज कैप के स्टॉक्स हैं प्लस वहाँ पे मुझे स्टिल एक बहुत अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है आने वाले टाइम में अगर निफ्टी अच्छा परफॉर्म करेगा तो बजाज फाइनेंस जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे डिमांड जोन के पास आया हुआ था और एक रैली दिखाया ये हम वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं एक अच्छा खासा यहाँ पे मूव आया था ऐसे ही सेम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन के पास आया इस ट्रेन लाइन के आसपास आया और अगेन यहाँ से एक रैली अप मूव पॉसिबल है इस चैनल से आप, आप जुड़े हो तो आपको ऑलरेडी पता है कि मैं किस टाइप के एनालिसिस करता हूँ और कैसे मैं स्टॉक्स को यू नो ट्रेड करना पसंद करता हूँ तो यहाँ पे अगेन uh, मैंने बजाज फाइनेंस को रखा हुआ है क्योंकि स्टिल यहाँ पे एक ट्रेन इस रेजिस्टेंस तक का एक हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है इसको हम कैप्चर कर सकते हैं तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया हुआ था यहाँ पे बजाज फाइनेंस ये हम डेली वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ था आपको और यहाँ से हमने 5% परसेंट अपनी चल रहे हैं फिलहाल मेरे अभी होल्डिंग्स के अंदर हैं तो मैं अगेन इसको अभी प्रेफर करता हूँ इस इस मूव को कैप्चर करना अब देखते हैं लेट्स सी क्या होता है मे बी यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है एक पुल बैक भी आ सकता है बट इट्स ओके इट्स अ पार्ट ऑफ़ गेम इट्स अ पार्ट ऑफ़ ट्रेडिंग अभी देखेंगे आप डबल बॉटम का यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी हुआ है यहाँ से हमारे पास एक चांस है एलेवन परसेंट के समथिंग का गेन अगर इसको ब्रेक करता है सक्सेसफुली देन हम राइड करेंगे नेक्स्ट टारगेट के लिए और इसमें जो हमारा लेवल बनेगा ना लेवल ये रहेगा तो आपका असल ये रहेगा और टारगेट आपका रहेगा यहाँ पर और फर्स्ट टारगेट जब अच्छे से यहाँ पे कंफर्म हो जाता है और एक अच्छा मूव दिखाता है उसके बाद एक अच्छी कैंडल बुलिस कैंडल के साथ यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम के साथ तो फिर हम सेकेंड टारगेट के लिए राइड right करेंगे इसको तो इस हफ्ते के लिए बस इतना ही क्योंकि मैं अभी रिक्स नहीं लेना चाहता क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि निफ्टी एक क्रूसियल जोन पे आ चुका है और बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी है अभी बाकी आप कंसीडर कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए धन प्लेटफॉर्म को क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि अगर आप फीमेल हैं या फिर अगर आप फ़ीमेल के नेम से अपना यहाँ पे अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आप, आपको यहाँ पे 50% ऑफ ब्रोकरेज मिलेगा ऑन ऑल सेगमेंट यानी कि आपको सिर्फ़ ट्वेंटी रुपीज़ जो इंट्रा डे दे के देने होते हैं यहाँ पे आपको टेन रुपीस लगेगा ऑन एवरी ऑर्डर आप कंसीडर कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और बाकी व्हाट्सएप कम्युनिटी के बारे में और डिटेल्स में अगर जानना है ना तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के बारे में मैं आपको पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम